अलबत्ता अल्लाह ने सच कर दिखाया है अपने रसूल को खाब बिलहक के हक के साथ एक तो अल्लाह के रसूल सच्चे दीन को लेकर आए वो अल्लादी अरसल रसूल बिलहुदा के सच्चे दायत के साथ दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और दीनी हक को लेकर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो इधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु को जो खाब दिखाया वो भी बोल रहा बिल्कुल हक और सच्चे ख्वाब दिखाया अल्लाह ने नबियों की जो खाब होती हैं वो क्या है नबियों की खाब वह वही होती है जब नबियों नबी कराम जो अपने ख्वाब में देखते हैं वो क्या होती हैं वो वही होती हैं अल्लाह रब्बुल ने अपने रसूल को खाब में दिखाई तो यहां पर अल्लाह ने फरमाया कि के इनशा मस्जिद आमिनीन कि हम जरूर भी जरूर तुम्हें दाखिल फरमाएंगे किसमें मस्जिद हरम में इनशाला आमिन अगर अल्लाह ने चाहे तो तुम्हारे लिए अमन की गहवरा बन जाएंगे अमन की मकाम बन जाएंगे अमन की जगह बन जाएंगे वहां क्या करोगे मोहल्लिन और कहा कि तुम अपने सर को मुंडाओगे फिर उसकी बाद अपना सर की बाल को कतराओगे फिर तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं होगा तुम्हें नहीं मालूम जो कुछ अल्लाह को मालूम है फिर अल्लाह ने फरमाया फरमाए फजान दाली वतन करीबा फिर तुम्हारे फतेह करीब के बारे में अल्लाह तुम्हें बशारत फरमा रहे अब फतेह करीब के बारे में अब मेरे दोस्तों आप यह कह सकते हो कि इंशाला आमिन अल्लाह रबुल्जू या इनशाला आमिन फरमाया काफिर ने मक्का और मशीक ने मक्का। यह कहते हैं कि रसूल मकबूल सलम के जो अल्लाह ने खाब दिखाया रसूल मकबूल वसल्लम को ख्वाब दिखाने के बाद अल्लाह के रसूल ने उम्र की नीयत फरमाई उमरा की नीयत हिजरी को और उसमें तकरीबन चौदह से लेकर पंद्रह सो सहाबी थे रसूल मकबूल के साथ उम्र के लिए रवाना हुए जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के लिए रवाना हुए मेरे दोस्तों तो गांव देहात की जो गंवार लोग आए उन लोगों को भी दावत दी कि चलो हम उम्र करने के लिए जाएंगे वहां पर कुछ जाहिल लोग भी थे कुछ मुनाफिक लोग भी है जो मुनाफिक है उनमें से तो कुछ साइड हो गए जो गांव देहात के लोग हैं वो भी अपने डर की मारे कहा के वहां जाएंगे तो मक्के वाले मक्के की काफिर ने मक्का और मुश्किल ने मक्का इनको पकड़ के खूब कुटेंगे दोबारा मोहम्मद वापिस नहीं आएंगे अलैहि वसल्लम वापिस दोबारा नहीं आएंगे मदीने में इस बात के ऊपर भी ये खुश है अंदरूनी तौर पर रसूल अलैहि वसल्लम मक्के लिए, लिए रवाना हुए सबको दावत दी पंद्रह सो रसूल मकबूल सल्लम के साथ उम्र के लिए तैयारी कर ली फिर अल्लाह के रसूल सल्लाह मक्का पहुंचने से पहले अल्लाह के रसूल ने अपने कासिद भिजवाई और उसमें हजरत उस्मान गनी रजिया को भी बाद में भिजवाया और उनसे कहा कि रसूल मकबूल सल्लम उमरा के लिए तशीफ ला रहे हैं

जब भेजे हैं कि अल्लाह के रसुल का कोई मकसद नहीं है सिर्फ उम्रा करके दोबारा वापस ही चले जाएंगे कुर्बानी करके अब मक्के वालों ने देखा कि अगर मोहम्मद आ जाएंगे यहाँ पर आएंगे मक्के में तो यहाँ जो मुसलमान है उन लोगों की इस्लाम की जज्बात आ जाएंगे ईमान की कुत ईमान की ताकत इनकी बढ़ने लगेंगे तो हमारे लिए मुश्किल ना खड़े हो जाए तो इसी डर की मारे इन लोगों ने जबकि वहां की जो मशरकिन और काफिर काफिरने मक्के वो किसी को रुकते नहीं मशर मक्का किसी को उम्र के लिए नहीं रुकता था लेकिन अल्लाह की रसूल को रुक दी फिर कहने लगा कि भाई इस साल को उम्रा नहीं कर सकते हो वापसी जाओ फिर वह एक सुलह नमा हुआ जिसको सुलाए खुदाबिया कहते हैं रसूल मब्बू सलम रवाना वापसी रवाना हुए तो उनके बारे में बता दी वापसी रवाना में जब हुआ उस वक़्त में यह सूरतफ़ूरत नाजिल हुआ अल्लाह की रसूल ने मुसलमानों के बारे में खुशखबरी भी अता फरमाई लक़त रजी अल्लाह तकत रजी अल्लाह अनिलीना इसके बारे में फरमाया कि अल्लाह भी राजी हुए अल्लाह और उसकी रसूल इनके ऊपर राजी हुआ और इनके ऊपर जन्नत अल्लाह अबूल जन्नत की बशारत सुना दी है और इनको फतेह मुबीन की बशारत सुनाई जो फ मबीन की बशारत सुनाए मेरे दोस्तों फतेह मबीन के बशारत सुनाए तो अब वापसी पर हुदैबिया में जब आए ये सूरत नाजिल हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप यहां जनवर जमा कर दो अपने अहराम खुल लो इनकी शरायें क्या थी बड़े कड़ी सख्त किस्म की शरायें थे जो मुसलमानों के लिए इंतहाई मुश्किल इंतहाई मुश्किल था उसको मानना उन लोगों ने यह शरायते दी कि इस साल को तुम लोग उमरा नहीं कर सकते हो दूसरे नंबर हमारे यहां से जो तुम्हारे मदीने में जाते हैं उन लोगों को तुम हमारे पास हवाला करोगे और हमारे पास तुम्हारे मदीने से कोई भी आएंगे तो हम उनको वापस नहीं करेंगे फिर उसकी बाद यह कहने लगा कि आइंदा साल तुम सिर्फ तीन दिन के लिए यहां उमरा करने के लिए आओगे जब तो रसूल मकबूल इस बात को मानना इतहाई मुश्किल थे साहबतन की दिल जिगरे इनके पड़ रहे होते थे कि इतनी रसूल मकबूल मब्बुल्लाम और साहबतन को वो मुश्किल हालत थी लेकिन अल्लाह के रसूल सल वसलम ने फिर भी उसको मान लिए लेकिन तकरीबन साहबतलाजमैन की दिल के अंदर इनकी दिल जिगरे फट रहे होते थे इस सूरतों में भी अल्लाह के रसुल ने जब फैसला फरमा दी तो अल्लाह भी राजी है अल्लाह के रसुल भी जब राजी हो गई फिर अल्लाह पाक परवा देकर आलम ने यह सूरत नाजिल फरमाया फिर रबुल्जत ने अपने इतमान नाजिल फरमाया अपने रसूल के ऊपर और मोमिन के ऊपर अल्लाह ने इतमिन नाजिल फरमाई फल जमा कलीमतवा कलीमतकवा और उन लोगों के ऊपर तकवा की कलमा को लाजम करार दी है अल्लाह पाक परवार देकर आलम ने इनके बारे में फरमाया जब रसूल वसल्लम की वापसी ये सूरत जब नाजिल हुआ और अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर फल्ला सकीन अला ही वाले की रसूल ही वाल ममिन मोमिन के ऊपर अल्लाह के रसूल के ऊपर इतमान नाजिल हुए अल्लाह ने उनके ऊपर में सकीन नाजिल फरमाई अपने रहमत नाजिल फरमा कर रसूल रसूल मकबूल सल्हुहस को और साबत लाजमैन की दिल को बिल्कुल मतमिन कर दी है और इतमिन की साधबतजमैन की समझ अता फ़रमा दी फिर वह लोग रवाना हुए और जैसे ही मदीना में पहुँचे अल्लाह के रसूल फिर वह लोग फिर पीछे से मजाक उड़ाने लगे कौन सी जो मुनाफे लोग थे जो गांव देहात की जो जो गांव की जो बस्ती जो गंवर किस्म की जो लोग थे जिसको क्या बोलते गंवार किस्म के लोग वो अपने बकरियां, अपने जानवरों की जो है न परवरिश की इनकी जो है ना चारे वगैरह की बहाना लगाकर कि हमें अपना जानवर पालना था और इनके लिए मुश्किल थे हमारे आहल हयाल की वजह से हम आपके साथ जा नहीं सके हैं और लिहाजा नेक्स्ट टाइम में अगर इसे होगी तो जंग इनशाला

उसके माल को हराम करार दिए है आपके लिए हलाल करार दी है क्योंकि वो लोग मुनाफिक था जिसकी वजह से अल्लाह ने इन सारे माल को जिसको माल की के बारे में फतेह मबीन मिलने वाले हैं और फतेह करीब आने वाले हैं आप लोगों के लिए फत करीबा फतेह करीब आने वाले हैं फतेह मबीन और फते करीब आप फरमाया वो क्या है वो गजवा खैबर के बारे में फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक परवा देकर आलम ने फतेह की खुशखबरी अता फरमाया लेकिन आप ये कहने लगा भाई हम भी तुम्हारे साथ जाके शिरकत कर लेंगे क्यों ताकि माल गनीमत से लें लेकिन अल्लाह ने मना फरमा दी ताकि ये लोग मुनाफिक है इनको अब शिरकत नहीं करने देना ये मुनाफिक है इन लोगों की हक नहीं है इसमें इस माल गनीमत के अंदर ये हक तो सिर्फ उन लोगों की है जो अल्लाह के रसूल के हाथों के ऊपर हाथ रखा जो पंद्रह सो सवी हजरत गनी रजिया को जब शहीद करने के बाद सुना के बक्के में अचानक अल्लाह हजरत अल्लाहर गनी रजिया की अनुहु अनुहु को शहीद करने के बारे में सुना कि को शहीद कर दिया अल्लाह के रसुल ने एक टिकट की दरख के नीचे हाँ बैठ कर वहां पर अल्लाह के रसूल ने बाय किया तमाम सहाबतुलजमैन से बाइक लिए हैं वहाँ एक शख्स था जिसका नाम जद्दा बिन कैश थे उसके पास सुर के घोड़े थे वो अपने घोड़े की तलाश में उसके घोड़े गुम हो गए उसकी तलाश में इधर उधर भागते रहे वो अल्लाह के रसूल के हाथ पे हाथ नहीं रखा वो बायत नहीं हुआ अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में निशानदेही कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ये भी मुनाफिक था ये भी एक मुनाफिक था फिर वो भी मुनाफिक है जो मदीने में थे जो गांव देहात की जो गंवाहार लोग थे ये अपने आप को बचाने के अपने आप को बचाने की नीयत से अपने आलो याल की परवरिश की जो है ना बहाना लगाकर उसने जो है ना मक्के जाने से रुक गया जबकि इनकी दिलों के अंदर क्या थे इनके दिलों के अंदर बुराई थे इनके दिलों के अंदर बात ये थे कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापसी आने नहीं देंगे अल्लाह के रसूल भी और उनके साथ में जो साहबमैन मक्के में जा रहे हैं इन सब को ख़त्म कर दिए जाएंगे कोई भी वापस नहीं आ सकते जब देखा कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए तो अल्लाह के रसूल के पास आकर पहुँच गए कि हम तो आपके साथ जाना चाहते थे हमारे दो बीबी बच्चों की वजह से हमारे जानवरों की वजह से इनकी देखभाल की वजह से हम आपके साथ नहीं जा सके और उनमें से वो भी जद्दा बिन कैस वो भी काफिरों में रहे वो जो मुनाफिकों में वो भी अल्लाह के रसूल के हाथ से बायत नहीं हुआ फिर अल्लाह पाक परवान दिगर आलम ने इनके बारे में जन्नत की बशारत सुना दी है कि जो आपकी हाथों में हाथ रखे हैं जो आपकी हाथों से बायत हुए हैं और भजरतमान गनी रजियला के बदला लेने के लिए जो बगैर सुरु सामान की जिनके पास कोई हथियार नहीं था सिर्फ एक जानवर था उसको भी जमा कर दिया ये खबर सुनकर कहा कि भाई ये सुलह हुआ कि तुम इस साल को उमरा नहीं कर सकते तो अल्लाह के रसुल फरमा दी कि जानवरों को जमा कर दो उसके बाद कुर्बानी हम यहीं कुरबानी करने के लिए जानवर लेके जा नहीं सके हैं और उसके बाद अपना अहराम भी खोल दो अल्लाह के रसूल सल्लासम ने सबकी एहराम भी खुलवा दी अब किकड़ की दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह के रसूल के हाथों में हाथ रखकर जब सहबत लजमाइन ने जो है ना बाथ हुए फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायास्मानी गनी रजी अल्लाह तला मक्के में उस वक़्त में मौजूद थे इन सारे पंद्रह सौ सहाबी के बारे में अल्लाह ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दी बशारत सुना दी जन्नत की अल्लाह ने फरमाया सब जन्नत में जाएंगे यकीनन जो मेरे हाथों में हाथ रखे हैं इस किकड़ की दरख्त के नीचे मेरे हाथों में हाथ रख के जो जिन लोगों ने मेरे हाथों से बायत हुआ ना अल्लाह रब इन के बारे में जन्नत की बशारत सुना दी है लेकिन उस वक्त में हजरत ऊस्मान गनी रजी अल्लाह तला नहीं थे कुछ मुनाफिक जो इनकी दुश्मन खुलाफा राशिदिन की ये दुश्मन लोग हैं जो खुलाफा राशिदिन को बुरा भला कहने वाले ये लोग कहते हैं उस्मान गनी के बारे में जन्नत की बशारत नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त में ये फरमा दी है देखो उस्मान गनी यहाँ पर मौजूद नहीं है उस्मान गनी की बाईत मैं खुद होता हूँ अल्लाह के रसूल ने अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर रख कर ये फरमा दी है कि मैंने ये बायत उस्मान गनी का बायत लेता हूँ मैं खुद उस्मान गनी का बायत ले रहा हूं अब जो लोग इख्तिला करते हैं जो लोग उस्मान गनी रजी अल्लाह तला को बुरा बाला कहते हैं इनके बारे में आप क्या समझोगे खुद समझ लेना ये वाकई ये लोग भी उन मुनाफिक में शामिल है यह भी उन मुनाफिक में शामिल है जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ जिन लोगों ने साजिशे की है अपने गांव और गांव की जो गवार है जो गंवर लोग हैं उनके साथ में मिलकर जो बहाना किया है और फिर अल्लाह के रसूल के बारे में भर मारे ये दोबारा मक्के से वापसी नहीं आएंगे यह भी उन मुनाफिक में शामिल होगी अब आइए अल्लाह पाक पर वाद कर आलम फिर फतेह खैबर की खुशखबरी अता फरमाता है अल्लाह ने फरमाया कि फतेह नसीब होने वाला और उसमें क्या हुआ अल्लाह इज़्ज़त पर उसकी कुछ अरसा बाद ही दो तीन माह बाद रबालमिन खैबर के बारे में जो है खुशखबरी याता फरमा दी गजबा खैबर हुआ उसमें मुसलमानों को अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता फरमाया और मेरे दोस्तों ऐसे कामयाबी याताफरमाया और रब्बुल इज्जत ने कहा कि इनकी चश्मे इनकी कुआएं इनकी जमीने इनकी जो है ना बागात वगैरह जितनी भी चीजें हैं तमाम मुसलमानों के हाथों में आए और फिर यहूदी जो है ना मगलूब हो गए सारे यहूदी क्या हो गया मगलूब हो गई है यहूदियों को जो है ना शक्क देते हुए सारे मुसलमान कामयाब हो गए और मुसलमानों के हाथों में खूब मान और दौलत आए माल गनीमत खूब हासिल की है चश्मे कुएँ बागात और हर किस्म की चीज़ें इन मुसलमानों को हासिल हुआ अल्लाह इज़्ज़त ने इसी का फरमाया कि फ़ताह करीबा